हेलो भाई, तो मैं हूँ अंकित धाकड़। फ्रेम में जो आप गाड़ी देख रहे हैं होंडा SP125, तो इसका मैं यहाँ पे आपको एक क्विक कंपैरिजन रेडर के साथ इसका यहाँ पे कर रहा हूँ। तो लुक्स देखो भाई, लुक्स सब्जेक्टिव है, किसी को इसके पसंद है, किसी को उसके पसंद है, तो लुक्स तो यहाँ पे सब्जेक्टिव निकल कर आते हैं। हालांकि मेरे पास यहाँ पे बाइक साइड टू साइड रेडर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक कंपेरिजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपन कोशिश करेंगे 3 से 4 मिनट में ख़त्म करने की, तो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहली जो चीज़ है, इसको हर तरह का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। देखो भाई, रेडर को नहीं कर सकता। रेडर को अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके पापा या फिर आपके कोई दादाजी वगैरह कुछ भी लेके जा, कोई भी लेके जाता है, तो वो उन पर इतनी सूट वहाँ पे नहीं करने वाली, और वो उन पर उस पर कंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, या आप पर्सनली उनसे पूछ सकते हैं। आप वहीं, ये गाड़ी सदाबहार है, इसको कोई भी कहीं भी लेके जा सकता है। ये इसका पहला पॉजिटिव हो गया। इसको मैं प्रॉपरली आपको ये पॉजिटिव कोई बताएगा नहीं, देखो ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप बिल्कुल यूथ है, आपके सिर्फ कॉलेज जाने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको भी पर्सनली गाड़ी चाहिए, तो आप उसको बेशक कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप उसके लुक्स पसंद है आपको उसके, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे नहीं बता रहा हूँ गाड़ी बेकार है, लेकिन उसमें आपको ये मिलता है। दूसरी जो चीज़ है लुक्स, देखो इसके लुक्स आपको मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे फ्यूचरिस्टिक मिलते हैं। फ्यूचरिस्टिक लुक से गाड़ी के लुक काफ़ी एग्रेसिव है। उसके जो फ्रंट लुक्स है, वो कभी आप सोचना फ्रंट से बंदर जैसी देखने में लगती है गाड़ी वो। हालांकि बहुत सारा भी कमेंट में गालियाँ भी देंगे, लेकिन ये सच है। या आप एक बार खुद आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी। फ्रंट से देखने में उसकी गाड़ी के लुक बंदर जैसे आते हैं, वहीं ये टाइगर इंस्पायर्ड आपको थोड़ी सी लगती है। तो मतलब गाड़ी के लुक्स देखो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसकी जो बैठने की पोजिशनिंग है, वो भी थोड़ी सी आपको स्पोर्ट बाइक टाइप मिलती है। तीसरी चीज़ है वो इसका जो टैंक है, वो भी आपको फाइबर मिलता है। मतलब पूरी पूरी गाड़ी आपको फाइबर की वो मिलती है, सिर्फ चेसिस को छोड़ के। तो ये चीज़ इसमें आपको मिलती है रेडर में। हालांकि उसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, उसमें आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इंजन में आपको थोड़ा सा लिटिल लिटिल डिफरेंस मिलता है, तो उसमें आपको पॉजिटिव्स तो ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको नेगेटिव जो कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। हालांकि इसमें आपको LED DRL नहीं मिलेगी, उसमें आपको LED DRL मिल जाती है। वो तो उनकी रेडियन में भी आती है, देखो भाई, तो DRL एक्सेलेंट रेट में भी आती है। एक जस्ट इन कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं, तो रेडर की DRL लड़ने के बाद वो बंदर जैसी तो लगती है सामने से। ये मैंने पर्सनली नोटिस की, और आप खुद भी ये कर सकते हैं नोटिस। दो कंपैरिजन ये लिटिल लिटिल हो गए हैं। तीसरा मैं बता चुका हूँ, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, इसमें नहीं आती है। और चौथी जो चीज़ है, इसमें आपको USB पोर्ट कहीं नहीं मिलता है, उसमें आपको USB पोर्ट मिल जाता है। ये होंडा को ध्यान देना था USB पोर्ट के इसमें। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि USB पोर्ट तो एटलीस्ट होना ही था। ऐसा नहीं रेडर बिल्कुल ही बेकार गाड़ी, रेडर में चला के देखिए, राइड इन क्वालिटी उसकी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन उसकी ब्रेकिंग, इसके कंपैरिजन में उसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी लो मेरे को लगी। और उसमें जो इको मोड है, देखो भाई, उसमें तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो पावर मोड में चलाना फायदा। इको मोड में आपको इतना कुछ ये मिलता नहीं है। हालांकि इको मोड में आपकी गाड़ी चल जाएगी स्पीड में, लेकिन माइलेज नहीं देगी, तो उसमें माइलेज के लिए अलग से मोड दिए, क्योंकि उसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी है, और वो गाड़ी माइलेज आपको मेरे को नहीं लगता इतना माइलेज वो दे पाएगी। तो ये हो गया इसका लिटिल लिटिल एक्सपीरियंस। हालांकि उसमें आपको LED टेल लाइट मिलती है, इसमें आपको LED टेल लाइट नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम प्राइसिंग, उसकी प्राइसिंग डिफरेंस भी आपको मिलता है। उसमें आपको प्राइसिंग, आपको अगर आप नॉर्मल रेडर ही लेते हैं, तो उसका आपको इससे 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे, 7 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो 7 मतलब 5 हज़ार, तो आप 5 से 6 हज़ार तो मान के चलें आप। और जो एक्स कनेक्ट है, वो आपको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये महंगी इससे मिलेगी। तो ये है इसका डिटेल्ड एक्सपीरियंस जो मुझे बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेन पूरी जो फंडा जाता है वो लुक्स पे, लुक्स। फीचर्स में तो कोई इतना मेजर डिफरेंस है नहीं कि फीचर्स आप इसकी वजह से रिजेक्ट ही कर दे गाड़ी को, तो फीचर्स में तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन लुक्स में आपको जिस गाड़ी के लुक्स ज़्यादा पसंद है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था वीडियो। और हाँ, होंडा की इंजन TVS के इंजन से मच बेटर है, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। तो ये आप मान लें, रिफाइंड भी ज़्यादा है, वाइब्रेशन भी आपको लिटिल कम ही मिलेगी इसमें। तो यही कुछ था वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।